धूल देख रहे हो अब ऐसे में पहले से ज्यादा फर्क है, है ना फर्क। दोस्तों गाड़ी है बलिनो, ये रामू भाई कौन सा बेस वेरिएंट है? हाँ बेस है ना, ये बेस वेरिएंट दोस्तों है। इसमें दिक्कत आ रही है एसी की, तो हम लोग छोटे मोटे तरीके, इतने बड़े मैकेनिक तो नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग चीजें सही कर सकते हैं। तो बेसिकली दो तीन दिक्कत आती है एसी खराब होने में रामू भाई। सबसे पहले या तो हमारा देखो फिल्टर गंदा हो, ठीक है, या तो हमारा आगे का जो कंडेंसर आता है वो चोक हो, या तो हमारी कूलिंग कॉइल में दिक्कत है। तो गाड़ी हल्का ठंडा कर रही है मतलब कूलिंग कॉइल में दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आइडल पे ठंडा कर रही है तो मतलब हमारा कंप्रेसर में या रेडिएटर में दिक्कत नहीं है, जो आपका कंडेंसर आता है। नहीं, नहीं। तो दिक्कत क्या आ रही है, आपको हवा का फ्लो कम मिल रहा है। मैं आपको एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ दोस्तों, आपको वैसे तो फील नहीं होगा लेकिन क्लच दबाना पड़ेगा। स्टार्ट करो जाके एक बार बताओ आपको। ये देखो ये गाड़ी दोस्तों स्टार्ट हो गई, लेकिन दो नंबर पे जितनी हवा आनी चाहिए, ठीक है, फुल पे है उतनी नहीं आ रही, मतलब उतनी हवा हमारी दो नंबर वाली हवा चार नंबर पे आ रही है। देखो ये अब आपको आवाज आई होगी, ठीक है, और ये पता नहीं कैसी अजीब सी बदबू अलग आ रही है, ठीक है, तो वो चीज है। लेकिन आइडल पे गाड़ी कूलिंग कर रही है, तो इतने में अगर कूलिंग कर रही है तो आप लोगों को एक चीज समझ जाना चाहिए, या तो आपका देखो थोड़ा सा क्या बोलते हैं कंडेंसर चोक है, या तो आपका क्या बोलते हैं आपका एयर फिल्टर खराब है, ऑयल, ये जो एसी फिल्टर होता है। तो आज हम लोग आपको एसी फिल्टर दिखाने वाले हैं कैसे क्लीन करें, वो भी घर पे आप कर सकते हो यार, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये खोलना पड़ेगा रामू भाई, फोन पकड़ना ऐसे मतलब वीडियो। हाँ ये देखो यहाँ से आपको दोस्तों ये चीज प्रेस करके ये इजिली निकल जाने वाला है, ठीक है। ये निकल गया और यहां से मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि ये देखिए ये जो आपका बॉक्स बना हुआ है, ये जो आपकी बटन्स हैं इनको आपको प्रेस करके, ये प्रेस की उससे इसके साथ दूसरी साइड प्रेस की, ये आपको निकल गया। ये वाले जो स्विच है ये आपको अंदर दोनों साइड प्रेस करके निकालने हैं। अब अंदर है आपका ये एसी फिल्टर जो कि दिख रहा है, तो इसको आपको ऐसे हाथ से जनरली पकड़ के बस खींच लेना है। हवा का फ्लो देखो दुगना हो गया फिल्टर हटाते ही, फील हुआ आपको है? फिल्टर की कंडीशन दिखाएं तो ये देखो मिट्टी भरी पड़ी है, चूहे की वोलेटिंग वगैरह जो भी भरी पड़ी है। हवा बंद कर दो मगर उसमें आवाज नहीं आएगी, गाड़ी बंद कर दो। ये देखो चिड़िया का पंख है, चिड़िया पाली है कह रहा हूँ भाई तो ये सब चीजें हैं, तो इसको क्लीन करते हैं बेसिकली। अभी तो उतना ज्यादा गंदा नहीं लग रहा है, तो इसको सबसे ज्यादा क्लीन करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। बाहर चलते हैं, ठीक है। बाहर जाने के बाद मैं आपको किसी भी मतलब जनरली जमीन में फेंका और कोई भी पेड़ हो, धूल देख रहे हो कहाँ से हवा आएगी यार, फिर से दिखाता हूँ एक बार। ये पूरी धूल है, यहाँ देखो ये सब पूरी धूल है। अब देखो पहले में और अब में कितना फर्क है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों एयर मिल जाए, हम लोग ये एसी दिखाने ही आए थे और ये गैरेज में खड़े हैं, फिर उसके बाद कुछ वीडियोस वगैरह देखी, थोड़ा बहुत देखा, तो हमने कहा आप लोगों के लिए वीडियोस बना देते हैं। इतनी नॉलेज है, कोई खास वीडियो मिली नहीं, लेकिन अपने आइडिया से मैंने वीडियो बना दी है और मेरे को लगता है वो सक्सेस भी है, क्योंकि भाई इसके बाद कूलिंग काफ़ी मतलब क्लीन हो जाने वाली है। बेसिकली हवा का प्रॉब्लम है, कूलिंग तो गाड़ी अच्छी कर रही है, तो वो हवा हम लोग मैनेज कर लेंगे, इससे नॉर्मल अच्छी हवा आने लगेगी, ठीक है। इसको क्लीन किया, ये देखो ये क्लीन हो गया लगभग, ठीक है, बहुत क्लीन हो गया, पूरी मिट्टी आ गई। रामू भाई अब चेक करना, ये पहले के हिसाब से अब के हिसाब से, और आप क्लीन दीवाल में मारो, आओ दीवार इसमें शटर में मारो, ओके शटर में वहां अंदर भरेगा इस है? रॉ वीडियो है दोस्तों, तो कोई हम लोग एडिट नहीं करने वाले। ये देखो खोल के इसको थोड़ा थोड़ा खींच के फूक दो, नया पड़ जाएगा, लेकिन अभी मौके पे दुकान नहीं है ना, है तो लेकिन खुली नहीं है, अभी तो काम चलेगा हमारा, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करें यहाँ पे खड़े होके। साफ हो गया, अब ये देखो ये जो काला काला हो गया ना, ये व्हाइट होता है, तो हवा कहाँ से आएगी जब पूरा चोक है?
भाई पूरा चौक है, हवा कहाँ से है, तो कपड़ा ही ना, ये देखो ये पूरा भरा पड़ा है, ये क्या रुई टाइप की है जो भी, ये सब निकाल के और जो भी है वो चीज़ अच्छी हो जाएगी। इसको एक बार लगा के देखते हैं और साफ फर्क देखते हैं ना। आ जाओ, ये रहा, सिंपली कुछ नहीं करना, इंसर्ट करने के लिए भी आपको एक बार नीचे से देखना है और जहाँ क्लच नहीं, जहाँ से आपको जगह मिले वहाँ से इसको आपको इंसर्ट कर देना है। साइज देखना है, दोनों इजीली जाता है, कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ये गया और ये फिल्टर आपका प्लेस हो गया। लगाने के लिए भी ये आपका अप की तरफ मार्क लगा हुआ है, तो जस्ट यू हैव टू पुश दैट थिंग, इजीली लग गई। उसके बाद आपको ये बस ऐसे उठा देना है ना, निकला तो नहीं, निकल गया, रुकना, ठीक, ये लग गया, तो बस ये बढ़िया हो गया। अब एक बार एसी चलाओ और बताना। अब दो पे अब हवा देखो, कितना फर्क लगा? बंद करो गेट, अभी मैं इसको नया पढ़वाऊंगा तब ज्यादा अच्छे चलेगा। अभी पहले से कितना परसेंट फर्क लगा? बहुत फर्क है इसमें, बहुत फर्क है ना, कूलिंग समझ में आई? अब स्पीड भी है, स्पीड है ना, पहले कैसी आवाज मारा था, घिर आवाज गई, बदबू नहीं जाएगी, थोड़ी देर में जाएगी, लेकिन हाँ है? ये बंद करो थोड़ा ऑडियंस। तो दोस्तों देखो, ये छोटी सी चीज से, मतलब छोटे से हैक से हम लोग अपनी ये कूलिंग इफेक्टिव कर सकते हैं। एक चीज और है, कंडेंसर क्लीन करना भी आप लोगों को वीडियो में मैं बता देने वाला हूं, तो बहुत आसान चीज है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। उसके लिए आपको एक कॉइल क्लीनर बोल के आता है, 100 रुपए का, 1 लीटर के आसपास मिलता है। वो मार के ना आपको बंपर खुलवाना है, बॉटल में डाल के छेद करके कंडेंसर पे आपको मार देना है, थोड़ी देर छोड़ देना है, देन पानी मार देना है। तो उसका भी वीडियो एक सेपरेट आप लोगों के लिए बना दूंगा। अभी मैंने आपको फिल्टर क्लीन करने का वीडियो बनाया, मैक्सिमम कार्स में यही चीज अप्लाई होने वाली है। तो दोस्तों बस इतना ही था वीडियो में, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करने की कोशिश जरूर करिएगा, यार मेरे को मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने में। रामू भाई, आप कुछ दोस्तों से कहना चाहेंगे अपने? जी, हमारे दोस्तों से कुछ कहना चाहेंगे जो सब्सक्राइबर है? लाइक करें, फॉलो करें, और क्या, और इन लोगों से ये बता दो कि भाई जहाँ पैसे बच सकते हैं वो पैसे बचाओ यार, फ्री के पैसे थोड़ी आते हैं, है ना, अगर हम लोग क्लीन करके इसको चला सकते हैं तो चलाएंगे। आपने अच्छा किया मेरे साथ, मुझे पता नहीं था इस चीज के बारे में। अब वो चीज बस, अब जैसे मेरा ही था कल, मेरी गाड़ी में क्या बोलते हैं, एसी की गैस खत्म हो गई थी। दोस्तों थोड़ा पसीना आ रहा है क्योंकि एसी बंद है, आप लोगों को दिक्कत होगी, आवाज नहीं आएगी। तो उसने बोला कि आपका कंप्रेसर खराब है, मैकेनिक ने बोला कंप्रेसर खराब है, होंडा सिटी का कंप्रेसर है करीब करीब 20,000 का। अब ये बताओ, एसी की गैस निकलवाने से, हल्का सा ऑयल निकलवाने से कंप्रेसर का क्या इशू है? नहीं। कुछ नहीं भाई, लेकिन नॉलेज की बात है, मैं दूसरी दुकान पे गया, तीसरी पे गया, मेरे को पता है कंप्रेसर नहीं खराब है, ठीक है, वो लोग कूलिंग नहीं निकाल पा रहे क्योंकि इन गाड़ियों में थोड़ा प्रेशर से 450 ग्राम गैस पड़ती है, और जो ये लोग डालते हैं वो 350 डालते हैं। खैर इसका सेपरेट वीडियो आ जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मैं वीडियो डाल दूंगा। तो यहां तक अगर वीडियो में बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पसीना देख के यार एक प्यारा सा लाइक भी कर देना, और जय हिंद दोस्तों। अब एसी में पहले से ज्यादा फर्क है, है ना, फर्क बिल्कुल भाई, सच में फर्क है, जो फील हो रहा है, ठीक है, तुरंत कूलिंग आ रही है, फर्क है, है? बदबू गई काफी, तो वो चीज देखो थोड़े सी चीजों से होता है, बाकी कूलिंग कॉइल वो क्लीन कर देंगे जो कंडेंसर है, बस गुड टू गो।